हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रैली विथ फार्मासिस्ट भोपाल का जो न्यू अपडेट है, कट ऑफ कितना जाएगा आप लोग जानना चाहते हैं, पीएसएल लिस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, टोटल वैकेंसी नंबर के ऊपर जानना चाहते हैं और फार्मासी की फाइनल कट ऑफ के ऊपर और नर्सिंग असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ के ऊपर आप जानना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, आपकी जो पीएसएल लिस्ट आएगा वो 14 मई को आएगा या फिर 18 मई को आएगा, इनकी बीच में आने वाला है 14 से लेकर 18। इसका डेट अभी तो कंफर्म 14 है, हो सकता है या 18 को भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3-4 दिन में। पीएसएल लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आएगा, पीएसएल लिस्ट में वही आएगा जिन कैंडिडेट का हमने रिटीन में शॉर्ट लिस्टिंग किया है, रिटीन में जिनको शॉर्ट लिस्ट किया है, और साथ में कौन मेडिकली फिट है, कौन अनफिट है, किसने एब्सेंस कर दिया, किसने बिना बताए गए आए नहीं, वो सारे पीएसएल लिस्ट में आएगा। यानी जो बंदा उस कट ऑफ के ऊपर रखा है लेकिन आगे जाके फिट भी हुआ है, पूरा सब कुछ फिट हुआ है और अनफिट भी हुआ है, उनकी भी नाम आएगा, फिट वालों का और अनफिट वालों का भी नाम आएगा प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, पीएसएल लिस्ट में। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका फार्मासिस्ट का और एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट का, उसमें कोई भी अनफिट कैंडिडेट नहीं आएगा। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा वैकेंसी के ऊपर और दूसरा आपकी बनेगा एक वेटिंग लिस्ट, दो चीज़ें बनेगा मेरिट लिस्ट में। पीएसएल लिस्ट का कट ऑफ और मेरिट लिस्ट का कट ऑफ दोनों अलग ही बनेगा, ये याद रखना। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ आर्मी जो एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की, जो आपकी पीएसएल लिस्ट का कट ऑफ है वो 37 है, कितना है 37 मार्क्स को अगर आपका आता है तो आपका ये कट ऑफ बन जाएगा। और वहीं पर अगर फार्मासिस्ट की पीएसएल लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका 23 से लेकर 24, कितना 23 से लेकर 24 आपकी पीएसएल लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद टोटल वैकेंसीज हमारे पास है नर्सिंग का 100 पोस्ट, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं 100 पोस्ट, और फार्मासी का 30 पोस्ट, यानी टोटल 130 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी एक डाउट और आएगा, क्या सर ये जो पोस्ट है ना, मान लीजिए फार्मासिस्ट की 30 पोस्ट है लेकिन बंदे भरे नहीं, तो 20 ही बंदे हुए, तो 10 पोस्ट हमारे को मिलेगा एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट को? जी बिल्कुल नहीं है, फार्मासिस्ट में कहीं भी नहीं आपके खाली रह रहा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, 30 पोस्ट उनकी रहेगा, उसके बाद वेटिंग रहेंगे 20 लोग, और यहाँ पर आपका एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में 100 पोस्ट रहेगा और आपकी रिजर्व रहेंगे 20 से 30 कैंडिडेट, ठीक है? तो क्लियर, फार्मासी के आपका पोस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वेटिंग लिस्ट में आएगा। अभी आप बताओगे कि सर वेटिंग लिस्ट को क्या आगे रैली में फ़ायदा होगा, जो वेटिंग लिस्ट में इस बार है आगे ले लें उनको? जी नहीं, वेटिंग लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी को चोट लगता है, कोई आना नहीं चाहता पहली बार, तो सभी आएंगे। अगर ऐसे भी कोई है जिसकी, चलो मान लिया अच्छा नौकरी मिल गया हो तो आया नहीं, तो वहाँ पर सीट खाली होगा, तो जो वेटिंग लिस्ट में वह 1, 2, 3, 4, 5 होंगे उनको खींच लेगा, ठीक है? आपकी वो किस्मत है, बट ऐसा होता नहीं अमूमन, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है? दूसरा है कि आपका जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट, यहाँ पर बता देता हूँ आपको, आपका जो 130 बनेगा मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बनेगा 39 मार्क्स बनेगा, इसमें इससे ज़्यादा बनेगा 39 अगर आपका है तो आपका कंफर्म मेरिट लिस्ट में आएगा एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, और 32 मार्क्स अगर आपका है तो एयरफोर्स फार्मासिस्ट में आपकी कट ऑफ आ जाएगा। यानी देखिए, पीएसएल में आपको 23 कट ऑफ दे रहा है और फाइनल में फार्मासिस्ट के लिए 32, सेम यहाँ पर 37-36 मार्क दे रहा है, 36-37 किसमें आपको पीएसएल में, और फाइनल मेरिट लिस्ट में 39-40-41-42 ऊपर, ठीक है? तो ये डिफरेंस है पीएसएल लिस्ट में और फाइनल मेरिट लिस्ट में, दोनों का अलग अलग लिस्ट निकलेगा। जैसे ही मान लीजिए अगर 14 मई को आपका पीएसएल निकलेगा, अगले 2 दिन में आपकी फाइनल निकल जाएगा, अगर 18 को निकला तो 20 को आपका निकल जाएगा, नहीं तो 21 को निकल जाएगा। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको कट ऑफ पीएसएल का और फाइनल मेरिट लिस्ट भी क्लियर किया, टोटल वैकेंसीज आपको क्लियर किया, वैकेंसी के ऊपर जो कन्फ्यूजन था, सीट खाली होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट का, या फिर आगे जाके आपको वेटिंग लिस्ट को कुछ प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता भाई, ठीक है? वो तो आपकी किस्मत है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है, आपका कितना सही आंसर है मुझे कमेंट्स करके बताना, आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।